जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीतिते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए। जय हनुमान, जय हनुमान। तुला राशि वालों, 12 जून शुक्रवार का दिन, सद्विशा नक्षत्र और विषकम्भ योग। आज के दिन आप स्वयं के भीतर खुशी खोजेंगे, साहसी बनेंगे, आत्मविश्वास से भरा हुआ दिन होगा, क्योंकि आज राहु और शनि आपके भाग्य में बड़ा सुख, सफलता, खुशखबरी, भाग्य में सुख संपत्ति और धन का आगमन होगा। साथ ही साथ आज आप अनेक सुखों का भोग करेंगे। तो तुला राशि वालों, राशिफल विस्तार से जानने से पहले चलिए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रह नक्षत्र की दशा, आज का पंचांग। आज आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, शुक्रवार का दिन, सत्विशा नक्षत्र विषकम्भ योग। आज का शुभ मुहूर्त 2:41 से 7:30 तक होगा। आज का राहुकाल 10:36 से 12:21 तक। राहु काल के दौरान कोई भी शुभ काम ना करें। तुला राशि वालों, सप्तमी तिथि, सत्विशा नक्षत्र विषकम्भ योग, दिन की शुरुआत पश्चिम दिशा की तरफ से ना करें। आज आपके लिए लक्की कलर फिरोजी होगा और आपका लक्की नंबर 7 होगा। तुला राशि वालों, आज सत्विशा नक्षत्र और विषकम्भ योग में आपकी राशि तुला पर राहु और शनि का विशेष प्रभाव रहेगा। साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र आपके भाग्य को बदलता हुआ नजर आएगा। आज आप आकर्षक, उच्च अभिलाषी, तेजस्वी बनेंगे। साथ ही साथ आज आपका भाग्य बहुत प्रबल है, किस्मत का साथ मिल रहा है, भाग्य आज आपकी बुलंद है, कुछ अच्छा होने वाला है। तुला राशि वालों, आज सत्विशा नक्षत्र में राहु और शनि आपके भाग्य को बदल रहा है। राहु आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है, जबकि शनि आपके सुख के स्थान में गोचर कर रहा है। भाग्य और सुख, जीवन में बहुत उन्नति, बहुत तरक्की आज आपकी होने वाली है। आज आप अनेक सुखों को प्राप्त करेंगे और अपने कर्म से अपने भाग्य में सुखों को बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आज आप धन भी कमाएंगे, क्योंकि राहु और शनि साथ में चंद्रमा और शुक्र आपके भाग्य को बदल रहा है। धन का अभाव खत्म होगा, पैसों की समस्या का समाधान होगा। सच में आज आपकी सोई हुई किस्मत अचानक से जागेगी, शुभ परिणाम मिलेगा, कामयाबी का योग है, सफलता अवश्य मिलेगी। साथ ही साथ आपके जीवन में अच्छा समाचार आपको सुनने को मिलेगा, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, पारिवारिक सुख का आप आनंद लेंगे और आपके जीवन से निराशा और परेशानी दूर होगी। साथ ही साथ आपके प्रयास सफल होंगे, मन में खुशी, भाग्य में सुख, किस्मत में धन प्राप्त होगा। तुला राशि वालों, आज शनि और राहु आपके जीवन में बड़ा शुभ योग बना रहा है। ऐसा शुभ योग कभी कभी इंसान के जीवन में बनता है। अगर आप चाहें तो आज अपने कर्म से, अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, जीवन में सुख संपत्ति कमा सकते हैं, सफलता पा सकते हैं। तो तुला राशि वालों, आपके जीवन में उत्साह और उमंग बना रहेगा, आपके अंदर एक जोश बनेगी जो आपको काम करने की प्रेरणा देगी। आप कुछ नया अनुभव को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज शनि और राहु आपके भाग्य में बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। तुला राशि वालों, आज नौकरी, व्यापार और पढ़ाई में आपको उम्मीद से ज़्यादा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अचानक धन का लाभ होगा, नई खुशखबरी, शुभ समाचार प्राप्त होगा, आपका पारिवारिक जीवन सुखद होगा। आज आप निगेटिव एनर्जी से दूर रहें, नकारात्मक विचार का त्याग करें,
मन से निराशा दूर करें। भाग्य आपका अच्छा है। ग्रहों की दशा, ग्रहों का गोचर आपके जीवन में शुभ संकेत दे रही है। आज कुछ ऐसा काम आप जरूर करेंगे जिसका लाभ भविष्य में देखने को मिलेगा। आपके मन में कल्पनाओं का तरंग उठेगा। आप खुश रहेंगे। अपने इरादों को मजबूत बनाएं। साहस और परिश्रम से काम करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगा। तुला राशि वालों, आज आपके जीवन में दिन आपके अनुकूल है, शुभ है, सुखद परिणाम देखने को मिलेगा। आज आपके भाग्य में राहु और शनि के कारण सुख और धन दोनों बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ चंद्रमा आपकी किस्मत को चमकाएगा। दिन आपके लिए बहुत शुभ और अच्छा है। तुला राशि वालों, आज 12 जून शुक्रवार का दिन, नौकरी व्यापार में आपको लाभ और मुनाफा मिलेगा। सुखद समाचार मिलेगा। कार्य बाधा परेशानी दूर होगी। भाग्योदय का समय है। कर्म करते जाएं। साथ ही साथ अपने क्रोध पर थोड़ा काबू रखें। अपने वाणी पर संयम रखें। सब काम बनता हुआ नजर आएगा। तुला राशि वालों, आज धन पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। भाग्योदय का प्रबल योग है। नौकरी रोजगार के दिशा में सफलता मिलेगी। धन लाभ के नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। जीवन में तरक्की का योग है। आप स्वस्थ रहेंगे। तुला राशि वालों, आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। किस्मत का साथ मिलेगा और आप आज आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। आपका आत्मविश्वास आज आपको सफलता और कामयाबी दोनों देगा। साथ ही साथ आपके जीवन को आज नई दिशा प्राप्त होगी। सुख शांति बना रहेगा। परिवार में मंगलमय वातावरण होगा। आज शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय ना करें। आज आपके इरादों में मजबूती आएगी। उत्साह में वृद्धि होगी। आज कर्म प्रधान दिन है। अपने आलस का त्याग करें। अपने निंद्रा का त्याग करें। सही समय का इंतजार करें। ईमानदारी से काम करें। आपका आत्मविश्वास, आपका पराक्रम आपकी महत्वाकांक्षा की पूर्ति करेगा। तो तुला राशि वालों, आज आपके भाग्य में सुख संपत्ति और धन सब कुछ बढ़ेगा, क्योंकि आज शनि और राहु आपके जीवन में आपको शुभ योग बना के दे रहा है। ऐसे समय में बेहतर परिणाम, सुखद स्थिति, मन में तरक्की और निरंतर प्रगति का योग बन रहा है। आज जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आज का दिन आपके जीवन का बेहतरीन दिन होगा। इस दिन का आप भरपूर लाभ उठाएं और अपने अंदर एक विश्वास के साथ काम करें। कठिन से कठिन स्थिति में भी विजयी आपका होगा। आज आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा। सुखी जीवन का आप आनंद लेंगे। तुला राशि वालों, आज आपका पारिवारिक जीवन, आपका लव लाइफ बहुत सुंदर होगा। आज घर परिवार में सुख संपत्ति बढ़ेगा। आज आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन सतविशा नक्षत्र में आपके लिए दिन सुंदर और आपकी भाग्य को बढ़ाने वाला हो रहा है। अत्यंत शुभ योग बन रहा है। तो इस दिन का आप लाभ जरूर उठाएं। अपने जीवन को सुंदर और भाग्यशाली बनाएं। तुला राशि वालों, आज ग्रहों का गोचर आपके जीवन में खुशियों का सौगात लेकर आ रहा है। आज आपके जीवन में सब कुछ सुंदर और अच्छा होगा। आप आगे बढ़ें, मेहनत से काम करें, सोच समझ कर निर्णय लें। आज आपके लिए दिन उन्नति भरा होगा। तो तुला राशि वालों, राशिफल जानने के बाद कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके जीवन में शुभ योग बनेगा। आप उन्नति और तरक्की करेंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ और सुखद रहेगा। राशिफल जानने के बाद अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान।